आदिवासी समाज के लोग काट रहे जंगल, तहसीलदार और रेंजर ने जाकर रोका तो बोले हमारी जमीनें हमें वापस दो। खबर करहल से है, जहां पनवाड़ा गांव के आदिवासी समाज के 200 से अधिक लोगों ने पुरानी जमीन पाने के लिए खुलेआम जंगलों से कटाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वर्षों से प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, इसलिए अब सब लोगों ने एकमत होकर 3-4 दिनों से जंगलों की कटाई शुरू कर दी। वहीं जैसे ही सूचना वन विभाग को लगी तो वन विभाग ने करहल तहसीलदार और पुलिस को साथ लेकर मौके पर जाकर जंगल काट रहे लोगों को रोका। वहीं आदिवासियों ने उनके पुराने पट्टे होने की बात कही, जिस पर तहसीलदार ने सभी को अपनी जमीन के कागज लेकर तहसील आने को कहा, जिस पर आज समाज के लोग एकत्रित होकर आ गए। सभी की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने निराकरण के लिए 15 दिन का समय मांगा। वहीं करहल रेंजर सत्येंद्र जमीनों के पुराने पट्टे होने की बात कह रहे हैं, जिसकी जांच करवाई जा रही है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं जो खुद के खेत बनाने के लिए कुछ लोगों को भड़का कर जंगल कटवा रहे हैं। वहीं करहल तहसीलदार ने भी भूमि पट्टे जांच करने के साथ साथ जिन गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं है उनके बीपीएल कार्ड बनवाने की कार्यवाही शुरू की है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साहब पूरी फाइल रखी है वो माँ के पास, अब वो माँ फोन नहीं उठा रहा, वो माँ से करते जाओ इतने जमा करिए, पता नहीं कहाँ करिए हमने। दलाली नहीं। क्या नाम है? नत्थू करवानिया, आदिवासी। क्या मामला है जो जंगलों की कटाई हो रही है, लगातार शिकायतें मिल रही हैं और आप ये रेंज में आए हो, क्या मामला है? इसका मामला ये है कि मतलब हमें 40 साल पहले हमारे बाप दादे ने पैसे जो है जमीन पुरुष ने हमसे ले ली थी, जो जबकि पट्टे हैं भूमदानी जमीन है हमारी और वो इनने रेंज में कर ली थी। हम तुम्हें दूसरी जगह दिलाएंगे, एक मतलब पास में दिलाएंगे, ऐसा करके बिन्ने ले ली हमारे बाप दादे चूतिया है दे दी बिन्ने। अब घूमते रहे हैं ऑफिसों के चक्कर कलेक्ट्रेट में, जहाँ दुनिया भर में 40 साल से परेशान होते रहे और मर गए हमारे बाप दादे। अब हम औलाद हैं इनकी, हम भी ऐसे ही फिर रहे हैं। पर लेकिन जो है मतलब वो बिन्ने मतलब जमीन नो कही, अब 2001 और 2002 में तो कार्य ही कर दी बिन्ने, वो नो कही निरस्त हो गई। हाँ तो अब हमने तो देखो पुरुष ने ली है हमारी जमीन जो भूमदानी की, तो इसीलिए हम पुरुष में काट रहे कि हमारी जमीन हमें वापस चाहिए, जो है मतलब हमारा कहना। ये काम हमारा अब 3-4 दिन गए थे हम तो, क्योंकि हमें तो जमीन चाहिए, चाहे किसी हर हालत में चाहिए, हमारी जमीन चाहिए। हाँ प्रशासन रोकने गए ना तो नहीं बिन्ने नो कही भाई तुम मैं चल के रेंज में आओ, तहसील में आओ, तुम्हारे मतलब बैठ के समझौता करेंगे, कछु जो भी हल निकलेगा हल निकालेंगे। तो वो हल के चक्कर में हम यहाँ पे आए हैं। अभी मैंने 15 दिन का आश्वासन दिया है, 15 दिन बाद अगर नहीं होती है सुनवाई, नहीं होती है तो फिर हम फिर काटेंगे जंगल, काटोगे तो हम तो जंगल काटेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हम तो साहब हम तो जेल जाए। हम 300-400 आदमी है, हम 300-400 लोगों की जमीन छीनी गई। हाँ छीनी गई है साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सीता। क्या मामला है जो जंगलों की कटाई हो रही है? क्यों हमारी जमीन नहीं दे रहा है, तहीं आ रहे हम। कौन नहीं दे रहा तुम्हारी जमीन? जो तहसील बार रेंज में भी आए हम। तो अभी आप क्या जंगलों की कटाई कर रहे हो? हाँ काटी हमने, रोकने गए पूरे अपने फॉरेस्ट वाले भी गए। आप अभी यहाँ रेंज में आई हो, क्या आपको आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, नो कही ना का मैं टाइम दे खतमार वाले निकाल देंगे 15 दिन की बोल रहा है। अगर सुनवाई नहीं होती है, नहीं होगी तो फिर काटेंगे हम, तो फिर काटेंगे हम अभी। क्यों काटेंगे? हम पर जमीन नहीं है, जमीन नहीं, हम काट में तो जाएंगे, हमारी जमीन क्यों फिर आनी है हमारी? जाता जब मशीन चल गई और तहसील में रेंज में गड्ढा खोदता जैसी चल गई, अब बताओ हम कौन सी जेल देगा? हमारा कछु गेल डग बेना सासन ही नहीं दे रहे, कछु भी कछु नहीं मिल रही हो हमारे रोजगार, और ना जंगल के धंधे करन दिए भी मैं जा लिए है खूब डेरी बार बार का मैं पूछ जाएगी तुम क्यों काट रहे डांग, तुम क्यों कर रही है? हमरे तो बाप बुढ़े इनकी जमीन है, हम तो काटांगा। सर ये जो 3-4 दिन से सुनने में आ रहा है जंगलों की कटाई कर रहे हैं पनवाड़ा के आसपास, क्या मामला है सर ये?
हाँ, ये पनवाड़ा के कुछ ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग, तो इनके कुछ पट्टे पुराने, कोई पट्टे हैं 60 साल पुराने, बात बता रहे हैं कि हमारे 40-50-60 साल पुराने पट्टे हैं तो वो हमको नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में हमने तहसीलदार साहब एजम साहब से बात की और इनसे सामने इनके मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि सभी अपना आवेदन प्रस्तुत करें और सभी की उनके रिकॉर्ड को देख कर जिसके जो पट्टे होंगे उनका निराकरण किया जाएगा जल्दी। और अभी उनको समझाइश दी गई है कि आप कुछ समय दिया गया है कि 10-15 दिन बाद ये इनके पट्टों का निराकरण में जो समय लगेगा इतना, तो वो जैसे ही होता है उनकी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी समझा दिया गया है कि कोई भी जंगल ना जाए, इस तरह की कोई अपराध ना करे। ऐसा सुनने में आ रहा है सर कि आप कुछ अन्य लोग भी जंगल काटने की तैयार में हैं सर, ऐसी कोई जानकारी? जानकारी अभी पता लगा है कि इनकी, मतलब ये तो क्या है, आदिवासी लोग हैं तो इनकी आड़ में कुछ अन्य लोग चार हैं जमीन की, हमें जमीन मिले, ये मोहरा बनाकर इनको फायदा उठाने की फिराक में है। अभी समझा दिया गया हमने सबको कि तुम्हारा जो भी है निराकरण किया जाएगा, किसी की बात ना सुने, और रोका जा रहा है इनको, अब मान गए हैं, हालांकि आज इन सब मान गए हैं कि हम रुकेंगे और अपना आवेदन देकर ही निराकरण करेंगे। ये सर जो जंगल की कटाई हो रही है, इस मामले में सर आप भी मौके पर गए थे, क्या मामला है सर ये पूरा? कल मैं वो पनवाड़ा सिलपुरी गया था, जो रेंज फॉरेस्ट के एसडीओ हैं उनके साथ में, और मैं वहाँ पे कई आदिवासी इकट्ठे हुए थे तो उनके द्वारा कुछ कागज भी पेश किए गए थे, उनकी जांच करवाई जा रही है। और जिन जिन का वहाँ पे अगर कोई पूर्व से कोई कब्जा रहा है या उनके नाम पे कोई ज़मीन है तो मेरे द्वारा दल गठित कर सीमांकन करके उनको कब्जा दिलाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे द्वारा बताया गया कि जो भी वहाँ पे जो बहुत अति गरीब लोग हैं उनके बीपीएल कार्ड दो या तीन दिन के अंदर बना करके उनको पात्रता पर्ची में उनके नाम जोड़े जाएंगे।